पत्रकार ना त्रास कंटाळी अंते महिला पत्रकार फरियाद करवा बन्या मजबूर। महिला पत्रकार ने शारीरिक अने मानसिक रीते हैरान परेशान करना तथा धाक धमकी आपनार केशोदना एक पत्रकार सामे केशोद पोलिस में फरियाद अपाई होवानुं बहार आवता भारे चकचार मची जवा पामी छे। जूनागढ़ जिलाना केशोद शहर मांथी प्राप्त विगतो मुजब केशोद शहरना मधुबेन रावलिया नामना महिला पत्रकारे आजे केशोद पोलिस स्टेशन में पोताने छेल्ला घणा समयथी केशोदना एक युवान अने संदेश न्यूज़ अब तक न्यूज़ अने पब्लिक एपना पत्रकार जय विराणी अने तेना मर्तिया पत्रकार मित्र द्वारा हैरान परेशान करवामां आवता होवानुं बहार आव्युं छे। पत्रकारत्व क्षेत्रे थोड़ा समय में मेळवेल नामनाथी आ युवा पत्रकार अने साथीदार अन्य एक पत्रकार सहन करी शकता न होवानुं कारण पण सर्चाई रह्युं कजे त्यारे आ महिला पत्रकार पत्रकारत्व छोड़ी दे तेवुं कृत्य आ पत्रकार अने तेना मर्तिया बीजा अन्य पत्रकारों द्वारा हैरान करवामां आवी रह्युं होवानुं महिला पत्रकार द्वारा जणाव्युं छे अने ते माटे अनेक विधि कृत्यो कराई रह्या छे। वधुमां महिला पत्रकार द्वारा जणाव्युं के पोते दलित समाजना होय जेथी आवनवार तेओने जाहेरमां पानित करवामां आवे छे तेमज मने धंधाकीय क्षेत्रे पण हैरान परेशान करे छे। ज्यारे पत्रकार पोताने जूनागढ़ जिलाना श्रेष्ठ पत्रकार मानी रही छे अने पत्रकारने परेशान करता रहे छे। पत्रकारे निडर साहसी अने सत्य साथे चालनार होय छे अने एकबीजा साथे समयथी चालता होय छे परंतु कायदस पत्रकार जगतमां आ प्रथम घटना बनी रही छे के जे पत्रकारत्वने कलंक लगाड़ी रही छे। हाल तो महिला पत्रकार मधुबेन रावलिया द्वारा केशोद पीआई ने तेमज डीवायएसपी कचेरी खाते लिखित में रजूआत करी फरियाद में आपी छे अने पोलीसे पण योग्य कार्यवाही करवामां आवशे तेवी खातरी आपी छे तेम फरियादी महिला पत्रकार मधुबेन रावलियाए जणाव्युं हतुं। जो वात करिए तो आ अगाउ पण आना अभद्र वर्तनना कारणे केशोदनी सिविल हॉस्पिटल खाते पण महिला नर्स द्वारा आ पत्रकारने मेथी पाक आपवामां आवेल तेमज केशोदनी खानगी न्यूज चेनलमांथी पण हाँकी काढवामां आव्योनो पण वीडियो वायरल थयो हतो। માં રિપોર્ટિંગ તરીકેનું કામગીરી કરું છું અને એક વર્ષથી હું મારી સખત મહેનતથી જે કામગીરી કરું છું એમાં જે લોકચાહના મેં મેળવી છે એ અમુક રિપોર્ટરો જે છે જે જોઈ નથી શકતા એમાં મેઇન માસ્ટર માઇન્ડ જય વિરાણી જે અવારનવાર મારી ચેનલોમાં ધોકા ખાણી કરીને મને હેરાન પરેશાન કરે છે। આજે પણ હું મારી 10 દિવસ પહેલાં નવી ચેનલ લઈને આવી છું તેમાં પણ તે ત્યાં અમદાવાદ જઈને ધોકા ખાણી કરીને મને હટાવવાની કોશિશ કરે છે। આની પહેલાં પણ મેં સાદી અરજી અહીં પોલીસ સ્ટેશનમાં આપેલી હતી પણ નામજોગ આપેલી નહોતી કેમ કે મારે આગળ આ વાતમાં વધવું નહોતું પણ આ લોકો એની જે છે ચાલુ રાખે છે અને મને હેરાન કરે છે। ઘણીવાર મને માનસિક રીતે ત્રાસ પણ આપે છે ધમકીઓ પણ બીજા દ્વારા અપાવે છે। આજે હું છેલ્લે કંટાળીને પાછી ફરિયાદ દાખલ કરવા માટે આવેલી છું। રિપોર્ટર પરેશ વાડિયા જૂનાગઢ।